हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाबाज। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मैं समय समय पे आपको अपडेट करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल के अनअकैडमी के माध्यम से कि कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं और तमाम चीजों के बारे में। और आज भी आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ कि न्यू वैकेंसीज आउट हुई है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप जानते हो, सीबी, आपको इसके बारे में जिक्र आपको सीआरपीसी में किया गया। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी सीआरपीसी की सेक्शन है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करती है। खैर, इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप सीबीआई में वैकेंसी आई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कितनी वैकेंसीज आई है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देयर आर 48 वैकेंसी, टोटल 48 वैकेंसीज आई है। क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जरूर देख लीजिएगा इसको अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक अच्छी पोस्ट के लिए। लगभग मैं आपको बता दूं, 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के आसपास इसमें सैलरी आपकी होती है। तो एक अच्छी खासी सैलरी होती है, अच्छा खासा एक ऑफिसर होता है, एक क्लास ऑफिसर होता है। लेकिन वो क्या क्या क्राइटेरिया है, वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो इस पोस्ट को जरूर देखिएगा अगर आप क्या बनना चाहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर आप जुडिशरी की तैयारी करें, डेफिनेट जुडिशरी के लिए तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है कि अगर आपको लगता है कि जुडिशरी में बहुत प्रयास के बाद सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो ये एक अलग चीज है थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट प्रीलिम्स के माध्यम से भी सिलेक्शन हो सकता है, अभी आप आगे बताऊंगा आपको, या डायरेक्टली भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा। खैर, हम देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। एक एक चीज देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट आपका है 2023 का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इनवाइट किया है उन्होंने। इस वेबसाइट आप देख पा रहे हो, इनकेस अगर आपको ये फिल करना है तो वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वेबसाइट में आप इस वेबसाइट को आप रेगुलरली देखते रहे करें, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली, www.upsconline.nic.in। चलिए, कौन सी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, फिफ्थ नंबर पे आई है फटाफट। फिफ्थ नंबर की जो वैकेंसी है वो हमारे काम की है। बाकी और भी वैकेंसी है जिसमें लॉ का क्वालिफिकेशन बताया गया। जैसे मैं इस वैकेंसी के बारे में बात कर दूं, असिस्टेंट डायरेक्टर, यहाँ पे भी लॉ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ लिखा है बैचलर ऑफ लॉ, लेकिन हम उस वैकेंसी की तरफ जाते हैं जहां पे आपको केवल एलएलबी वाले ही फिल कर सकते हैं। ये भी वैकेंसी थी वैसे तो, लेकिन हम इस वैकेंसी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम करते हैं फिफ्थ नंबर की वैकेंसी, आप थोड़ा सा आ जाइए यहाँ से देखते हैं। फोर्थ आपकी वैकेंसी ये हो चुकी है, फिफ्थ चलिए ये आपके सामने वैकेंसी निकल के आती है। लिखा है 48 वैकेंसी, 48 वैकेंसी है किसकी है, थोड़ा सा 48 वैकेंसी आपकी आई है किस पोस्ट के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, देख पा रहे होगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की देयर आर 48 वैकेंसीज। ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा देखते जाएंगे क्या क्या है। 8 वैकेंसीज कैटेगरी जनरल की 20 है, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी 11, एससी 5, एसटी, एससी 5 और एसटी आपकी 2, सॉरी एससी 8 है और एसटी आपकी 5 है, और आपको फिजिकल हैंडीकैप 2 वैकेंसीज है। खैर, बता दिया गया, सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं उनको क्या क्या चाहिए, तो आप थोड़ा सा क्राइटेरिया देख लीजिएगा। अगर कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप्ड में आता है तो आपको ये चीजें चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो मेनली हम आ जाते हैं जहां से हमारे लिए चीजें जरूरी है, जहां से, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, अब कौन कौन सी चीजें देखनी है, कौन कौन सी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके साथ साथ हम और भी चीजें देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज, अब भैया देखिए, सबसे पहले पोस्ट देख लीजिए कौन सी है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए की आपको वैकेंसी मिल रही है। अर्थात आप एक जो गवर्नमेंट सबसे बड़ी अधिकारी कौन से होते हैं, ए लेवल के अधिकारी, ए लेवल के अधिकारी मानो जाओगे। गजेट पोस्ट होगी, नॉन मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं है लेकिन गजेट पोस्ट है। इसके साथ साथ आपका जो पे लेवल होने वाला है वो लेवल 10 ऑफ 7th, मतलब आप तो बोलता है जो आपका सातवां वेतन आयोग है, अभी तो सबसे न्यूएस्ट वेतन आयोग सातवां है, उसका जो लेवल 10 चल रहा है उसके हिसाब से। तो मैंने आपको वही बताया जो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो सुनने आप देखते हैं तो 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बन सकती है। एज आपको भैया 35 साल चाहिए, ये आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा बहुत सारे बच्चों के लिए कि अरे यार एज नहीं है। तो लेकिन आप जो लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं, जिनका बहुत समय से सिलेक्शन नहीं है तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की, अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि भैया आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए, LLM वगैरह नहीं, आपको LLB की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 7 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ पे भी दिल टूट गया, लेकिन अगर किसी की 35 साल एज है तो 7 साल का एक्सपीरियंस उसको माना जा सकता होगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन को रिलैक्स भी किया जा सकता है, ये किसका डिजायर होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूपीएससी का, राइटिंग के थ्रू। और उसको क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि भैया कोई व्यक्ति वेल क्वालिफाइड है लेकिन उसके पास कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी बहुत कम है, तो चाहे तो वो उसको क्या कर सकता है, रिलैक्स भी कर सकता है। नोट, क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस आर, ठीक है, एक्सपीरियंस को भी रिलैक्स किया जा सकता है, ये भी यूपीएससी का डिस्क्रिशन होगा। अगर उनको लगता है कोई व्यक्ति बहुत मतलब पढ़ा लिखा है, उसको किया जा सकता है। और लिखा है रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ठीक है, रीजन रिकॉर्डिंग राइटिंग का लिखा, और किसके संबंध में, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी के संबंध में। अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी का है लेकिन उसके पास
एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कम है तो उसे रिलैक्स कर सकते हैं, ये उनके विवेकाधिकार है। ड्यूटीज पे आ रहे थे, क्या काम करना है भैया, जो ड्यूटी अलॉटेड बाय डिप्टी लीगल एडवाइजर और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको देगा वो ड्यूटीज आपको करनी है। ड्यूटीज आपको जो अलॉट की जाएगी सीनियर पीपी के द्वारा वो आपको करनी है। इसके साथ साथ आप शासन का पक्ष रखोगे तमाम चीज, और आपको कह रहा है हेडक्वार्टर आपका दिल्ली होगा। हाउ कैंडिडेट आर लाइबल टू, सब भाई आपको भारत में कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिव कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल फाइनल रिपोर्ट्स जो आपको पेश की जाएंगी कोर्ट में उनके बारे में, अर्थात सरकार का जो पक्ष होता है सरकार के साइड से सीबीआई जो काम करती है जब वो चार्जशीट वगैरह फाइल करेगी, फाइनल रिपोर्ट फाइल करेगी, वहां पे आपको बताना है। तो आपने ये सारी चीजें देख ली होंगी। अब चलिए आते हैं और भी चीजें, ठीक है, ये बीच में वैकेंसीज के बारे में, इनके बारे में हम बात नहीं करते, बहुत सारी और वैकेंसीज भी लिख ली है। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर्म भैया कब से फिल होंगे। फॉर्म आपके देखिए लिखा है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन कौन से है, दीज आर नॉट ऑफलाइन एप्लीकेशन, मैंने आपको शुरू में वेबसाइट का नाम भी बताया था, फिर से आप देख पा रहे होगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मिल रहे हैं। कब से फाइल होने हैं ये आप देख लीजिएगा, तो ये आपके फाइल हो रहे हैं और एप्लीकेशन, ये आपकी वेबसाइट है, थोड़ा सा रुकिएगा, ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू आपके जा रहे हैं। वेबसाइट का नाम देख लीजिए, यूपीएससी की वेबसाइट है, और यूपीएससी की वेबसाइट में आपको फॉर्म फिल करने को मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिएगा, वेबसाइट पे सेले लगा देता हूँ www, ठीक है, क्या लिखा है www.upsconline.nic.in। फॉर्म आपके 8 तारीख से भरे जाएंगे और ये भरे जाएंगे 27 तारीख तक, ठीक है, आपको यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ लगा डेट ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट के हो सकते हैं, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, उसके लिए आर टू रिक्वायर टू बी ब्रिंग द प्रिंट आउट, उनको प्रिंट आउट लेके आना पड़ेगा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा। थोड़ा सा बता दूं आप एक चीज आप याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं भी आपको आगे भी ये चीज मिलेगी, होने क्या वाला है देखिए, अगर कैंडिडेट के थोड़े से कम एप्लीकेशन आएंगे, उनको लगता है कि भाई एप्लीकेशन कम है, तो वो क्या कराएंगे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू करा देंगे। अगर लगता है कि बहुत सारे आ चुके हैं बच्चे, तो फिर क्या कराएंगे प्रीलिम्स एग्जाम के माध्यम से शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। ऐसा नहीं कि 50,000 लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी, तो 50,000 का तो इंटरव्यू नहीं करा सकते, तो फिर वो आपको प्रीलिम्स एग्जाम कराएंगे, एक आपको शॉर्टलिस्ट एग्जाम कराएंगे, उसके माध्यम से बच्चों को छाट के इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा उन्होंने आगे इसको मेंशन भी किया है, तो उसको ये नहीं है कि मतलब उन्होंने अपने हिसाब से, वो बाद में देखेंगे जब आपके फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद। फिर ये डिसेबिलिटीज वगैरह के लिए इस पे हम नहीं आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रोविजन पीरियड आपका होगा भैया रूल्स के हिसाब से लगभग 2 साल या कहीं कहीं 3 साल का प्रोविजन आता है, और हेडक्वार्टर आपका दिल्ली होगा। चलिए आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन, भैया भारत के नागरिक हो गए तो हमें सब पता ही है। एज लिमिट पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एज लिमिट, द एज लिमिट ऑफ द पोस्ट एंड गिवन द एडवाइस एडवर्टाइजमेंट जो दी गई है 35, किसी में 35 है किसी में अलग अलग होगा, ये क्योंकि कॉमन बन के आता है सबके लिए। आगे आ जाते हैं, ठीक है, ये कुछ मेथड्स वगैरह बताएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइए थोड़ा, ठीक है, लिखिएगा In the case where the selection is made by the recruitment test agar karaya jata followed by the interview, the candidate will have to achieve minimum level of suitability in their respective categories. To bhi aapko category mein aapko marks lane padenge. Maine kya bataya? Samajhiye. Ho sakta hai ki interview aapka direct kara diya jaye. Direct karaya jayega to suitability test aapka nahi hoga, jisko hum prelims maine aapko bola tha, ek prelims type ka test hoga. लेकिन हो सकता है आपका प्रीलिम टेस्ट ना करा के आपको क्या कराया जाए, अगर कैंडिडेट ज्यादा आ जाते तो डायरेक्ट इंटरव्यू ना करा के आपको एक टेस्ट कराया जाएगा। जब वो टेस्ट होगा तो आपको, अगर आप ईडब्ल्यूएस और जर्नल से है तो आपको 50% मार्क्स, ओबीसी से है तो 45% मार्क्स, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको 40 मार्क्स चाहिए पड़ेंगे आउट ऑफ 100, ठीक है लिखा है ना मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100, ये आपको चीजें बता दी गई। इसके बाद आपको मतलब इतने मार्क्स चाहिए पड़ेंगे, ये आपको इंटरव्यू के लिए बता रहा है, ठीक है, ये किसके लिए बताया गया, मैंने इंटरव्यू के लिए, मैं शायद इसको थोड़ा सा बता गया, इंटरव्यू के लिए। और इसके साथ साथ यही चीज और बाय द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलो बाय द इंटरव्यू, दोनों चीजों के लिए बताया गया कि इंटरव्यू में भी आपको इतने इतने नंबर सिक्योर करने हैं और इंटरव्यू के लिए, द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यू रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सिलेक्शन इज मेड बाय द इंटरव्यू, चाहे इंटरव्यू के माध्यम से होगा चाहे रिक्रूटमेंट टेस्ट के माध्यम से होगा, तो आपको इतने इतने नंबर सिक्योर करने हैं। और दोनों चीज हो सकती है भैया, फीस बड़ी कम लग रही है आप डाल लीजिए, बैंक आपको चालान वगैरह बनवाना है, ₹25 का आपका चालान बनेगा तो आप इसको फीस वगैरह डाल सकते हो। आप लिखा है अभी आप इसमें आपको यूपीआई पेमेंट कार्ड डेबिट सब कुछ एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी फीस एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए वुमेन के लिए नहीं है, इनको फीस एग्जेम्पशन दिया गया है। और भी बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं एडवर्टाइजमेंट में, इनकेस अगर कोई बच्चा भरना चाहता है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी वेबसाइट जाके, यहाँ इस वेबसाइट से जाके आप फॉर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप, ये जो मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, इसको आप इस www.https, ठीक है, www.upsc.nic.in से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल @ मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मतलब मैं तो पिन भी कर दूंगा एक, तो ठीक है, हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, तो या तो
विधिक जागरूकता, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे क्या करिएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो अगर आपको ये नहीं मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट अगर आपको पढ़ने के लिए, तो मैं आपको इसको भेजने की कोशिश करूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट भेज पाऊं। दूसरी चीज, यहां पे आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, और यूपीएससी पे वेबसाइट पे जाओगे आप, रिक्रूटमेंट के पोर्शन पे जाइएगा, रिक्रूटमेंट पे, वहां पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल से जरूर जुड़िए, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो बाकी होपफुली आपको वीडियो भी अच्छी लगी है और आप हमसे जुड़े रहेंगे, और मैं टेलीग्राम में रोज आपको मॉक फ्री कर मॉक कराता हूं, तो उसके बारे में भी आप टेलीग्राम ऐप को, टेलीग्राम के में आप मेरे जो टेलीग्राम का लिंक बताया उसमें जाइए, और अनअकैडमी में मैं फ्री मॉक कराता हूं आपको, अनअकैडमी में। तो अनअकैडमी के हमारे फ्री मॉक के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, अगर आपको हमारे अनअकैडमी के फ्री ऐप से जुड़ना है तो अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम पे लिंक पे जाके क्लिक करिए, कोड यूज करिएगा शाबाज10, SHABAZ 1010, आप इसको कोड को यूज करके हमारे पेपर फ्री टेस्ट दे सकते हैं और सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।